कुछ दिन से आपके पास मोबाइल पर कोरोना से जुड़े आने वाले मैसेजेस की बाढ़ आ गई होगी। जाहिर सी बात है, कोरोना का मौसम चल रहा है, तो आपका भला चाहने वाला हर आदमी चाहेगा कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी उसके पास आए तो आप तक भेज दें। और कुछ इसलिए भी कि भाई खाली हैं, घर पे लॉकडाउन में बैठे हैं, क्या करें, तो व्हाट्सएप पे जो भी आता है टक से फॉरवर्ड का बटन दबाया और आगे बढ़ा दिया, बिना ये सोचे हुए कि हम जो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सच भी है या नहीं, उसकी वजह से कहीं हम भी अफवाह फैलाने वाले गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे। इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि आपको ऐसे कुछ वीडियोस, कुछ मैसेजेस के बारे में जानकारी दे दें जो आप लगातार धड़ल्ले से फॉरवर्ड किए चले जा रहे हैं, लेकिन असल में वो झूठ है। जी हाँ, जैसे आपने बहुत लोगों का मैसेज पढ़ा होगा, आपके बहुत सारे दोस्तों ने आपको भेजा होगा कि अल्कोहल केवल हाथ पर नहीं लगाइए, थोड़ा पेट में भी डाल लीजिए तो कोरोना से आपको बचा लेगा। तो भाई साहब, जो आपके दोस्त आपको ये मैसेज भेज रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। क्योंकि कोरोना वायरस जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको जल्दी निशाना बना सकता है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, इसलिए थोड़ा अल्कोहल से बचिए। और वो लोग जो आपको मैसेज भेज रहे हैं कि दुनिया भर के डॉक्टर बेवजह टाइम ख़राब कर रहे हैं अपना कोरोना का इलाज ढूंढने में, कोरोना का इलाज तो हमारे यहाँ 7वीं क्लास की किताब में रमेश गुप्ता जी ने लिख दिया था, तो भैया उनसे बोलिए कि थोड़ा अध्ययन कर लिया करें किसी भी मैसेज को आगे भेजने से पहले। सब कोरोना वायरस एक जैसे नहीं होते, ये COVID-19 है। उन्होंने जिस कोरोना का जिक्र किया है वो सर्दी खांसी जुकाम वाला कोरोना है, ये COVID-19 उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए दुनिया अब तक माथापच्ची कर रही है कि कैसे इसका इलाज ढूंढ लें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि मेदांता वाले डॉक्टर त्रेहन का पता है आपको, उन्होंने कहा है कि देश में हेल्थ इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, सरकार देर कर रही है, मैंने PMO से बात की और जल्दी वो इसके बारे में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने वाले हैं। हमने डॉक्टर त्रेहन से बात की, अक्सर आते हैं आज तक पर, आपने देखा होगा उनको, उन्होंने खुद भी सफाई दी, उनके अस्पताल ने बाकायदे प्रेस रिलीज देकर सफाई दी कि नहीं भाई साहब हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कम से कम हमारे नाम को तो इस तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। तो अगली बार कोई ये वाला व्हाट्सएप भेजे तो उसे बता दीजिएगा कि कृपया आपके पास झूठ ना भेजे। और फिर कोरोना के दौर में आपकी भावनाओं से खेलने वाले शातिर भी तो लगेंगे। एक फ़ोटो देखी होगी ना आपने, जिसमें वो मुंह पर मास्क लगाए हुए लड़का लड़की एक दूसरे से किस कर रहे हैं, और नीचे क्या लिखा है, 134 मरीजों को बचाया इस डॉक्टर दंपति ने, उसके बाद कोरोना ने इन्हीं को पकड़ लिया, मरने से पहले दोनों आखिरी किस कर रहे थे। नहीं भाई साहब, वो एयरपोर्ट पर लिया गया फ़ोटो है, बार्सिलोना में लिया गया, इटली में नहीं लिया गया। और जिसने फ़ोटो खींचा, AP के फोटोग्राफर, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि सर उसके नीचे क्या कहानी लिखी है मैं नहीं जानता, मैंने तो एयरपोर्ट पर अच्छा लगा तो वो फ़ोटो खींच लिया था। यानी कि वो कहानी जो आपके पास आ रही है वो भी झूठी है। और वो सारे लोग जो आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं कि कोई अगर लॉकडाउन सक्सेसफुली करवा सकता है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने रूस की सड़कों पर 500 शेर छोड़ दिए, आपको मालूम है, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। झूठे एक नंबर के। वो शेर की जो वीडियो चला रहे हैं वो एक फिल्म की शूट के दौरान लिया गया वीडियो है, और उस फिल्म की बदकिस्मती देखिए, वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, लेकिन वो शेर देखिए कितना पॉपुलर हो गया, वो भी हिंदुस्तान में कोरोना के चक्कर में। फिर साथ ही साथ एक और लगातार तस्वीर चल रही है, वीडियो चल रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि देखो लाइन से लाशें पड़ी हैं और इटली को कैसे लाशें दफनानी पड़ रही हैं। मैं मानता हूँ कि इटली में हालात ख़राब हैं, इटली में वाकई मौतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ का हेल्थ सिस्टम लगभग कलैप्स कर गया है, लेकिन सर जो वीडियो आपके पास आया ना व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आप देखकर जिसको भावुक द्रवित हो रहे, वो फिल्म कंटेजन का, अगर आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है, OTT प्लेटफॉर्म पर, उसमें वो सीन आपको मिल जाएगा। इसलिए अगली बार आपके पास आए तो उसको सच मान के फॉरवर्ड मत कीजिएगा, और ना ही इटली के PM की आंसू बहाने वाली तस्वीर असली है, वो भी फर्जीवाड़ा किसी ने किया है आपकी भावनाओं का दोहन करने के लिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप बीमारी से बचने के लिए हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं तो अफवाहों से बचने के लिए जानकारी को भी लगातार सैनिटाइज करते रहिए।